हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग मेड इजी। आज का हमारा लेक्चर बैंकिंग अवेयरनेस पे होगा, सेकंड लेक्चर होगा बैंकिंग अवेयरनेस पे। इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे नाबार्ड, आरआरबी, सिडबी, सेबी, एक्सिम बैंक, एनएचबी एंड ईसीजीसी। इन सबके फुल फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, इनके सारी डिटेल स्टडी हम इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इस वीडियो में करेंगे। कब ये इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए, किस एक्ट के रिकमेंडेशन पे सेटअप हुए और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेटअप हुए, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, चेयरमैन कौन है और कौन रेगुलेट करता है इनको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या रेगुलेट करती है, किनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, आरबीआई किनको रेगुलेट करती है और किस किस फील्ड में ये वर्क करते हैं, ये सारा डिटेल्ड स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले देखते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बेसिकली एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है इंडिया में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। पूरे के पूरे पैसे जो नाबार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो पहला पॉइंट हमने इसका फुल फॉर्म देख लिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982। ईयर याद रखेंगे, डेट याद हो जाए तो अच्छी बात है, ईयर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1982, 12 जुलाई 1982 को एस्टेब्लिश हुआ था। किस कमेटी ने इसको एस्टेब्लिश किया था? क्रेफी कार्ड कमेटी के चेयरमैन थे सिवरमन जी। तो सिवरमन कमेटी के भी नाम से कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो कभी भी पूछा जाए कि नाबार्ड को किस कमेटी ने एस्टेब्लिश किया था, तो क्रेफी कार्ड कमेटी या फिर सिवरमन कमेटी, ये दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। इसका चेयरमैन कौन है? ये प्रेजेंट चेयरमैन है हर्ष कुमार भनवाला इसके प्रेजेंट चेयरमैन है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये तो हो गए बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब इंटरव्यू पॉइंट्स अब से देखते हैं कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नाबार्ड में क्वेश्चन क्या होंगे। तो नाबार्ड में आपको एक 100% सीएसआर कंपनी है बोला जाता है, ये 100% सीएसआर कंपनी है। ये सीएसआर टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा गया है नाबार्ड के कि व्हाट डू यू मीन बाय सीएसआर। तो सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी अब नाबार्ड के इंटरव्यू में जाओगे तो सीएसआर जरूर वो पूछेंगे कि सीएसआर का मतलब क्या होता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो नाबार्ड है ये 100% सीएसआर कंपनी है, ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद नाबार्ड क्या था? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता था। नाबार्ड इज द माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, नाबार्ड को माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बोलते हैं। ये एक फुल फॉर्म याद रखेंगे आरआईडीएफ। आरआईडीएफ का मतलब होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि ऑपरेटेड बाय नाबार्ड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मतलब कहीं भी आपको एग्रीकल्चरल और रूरल से रिलेटेड कोई भी चीजें आती हैं तो वो नाबार्ड ही ऑपरेट करेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज ऑपरेटेड बाय नाबार्ड। नाबार्ड को एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं एग्रीकल्चरल फाइनेंस का। तो ये सब तो पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। आप हेडक्वार्टर है इसके याद रख लो, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन हर्ष कुमार भनवाला, कमेटी क्रेफी कार्ड कमेटी, चेयरपर्सन कौन थे क्रेफी कार्ड कमेटी के? सिवरमन जी थे। एस्टेब्लिश हुआ 1982 में 12 जुलाई। फुल फॉर्म याद कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% सीएसआर कंपनी। तो ये हो गया नाबार्ड के बारे में। इससे बाहर से क्वेश्चन आपको मेंस के एग्जाम में नहीं मिलेगा नाबार्ड से रिलेटेड। ये मेन पॉइंट्स हो गए, इसमें से आपका क्वेश्चन नाबार्ड में आता है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम सेकंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखते हैं जो कि आरआरबी। इसके पहले हमने नाबार्ड देखा था, अब देखते हैं आरआरबी। तो आरआरबी क्या होता है? आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक। इसका फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। ये रूरल एरियाज में ऑपरेट करता है, अर्बन एरियाज में भी होता है कहीं कहीं, लेकिन मेनली ये जब बनाया गया था तो रूरल एरियाज के लिए बनाया गया था, अर्बन एरियाज में होता है कहीं कहीं। तो आरआरबी का काम क्या है? आरआरबी का काम क्या है? गवर्नमेंट ने इसको बनाया है कि रूरल पीपल तक बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच सके। जैसे मनरेगा लाइक स्कीम है, तो मनरेगा में पेमेंट कैसे होगा? रूरल बैंक के थ्रू होगा, जो कि गांव वगैरह के लोग हैं उनको रूरल बैंक तक वो पहुंचेंगे और वहां से मनरेगा का वो अपना पैसा लेंगे। पेंशन हुआ, पेंशन का पैसा आरआरबी के थ्रू ही बढ़ता है। और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आरआरबी ऑपरेट आपका रूरल एरियाज में करेगा। तो ये सेटअप हुआ था बाई एन ऑर्डिनेंस इन 1975 में, ऑर्डिनेंस के थ्रू सेटअप कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही सेटअप हुआ ये लेटर रिप्लेस बाय आरआरबी एक्ट 1976। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि आरआरबी सेटअप कैसे हुआ, तो आंसर होगा आरआरबी एक्ट 1976। लेकिन सपोज ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन मिल रहा है कि सेटअप बाय एन ऑर्डिनेंस इन 1975, तो इसको भी आप कंसिडर करेंगे। पहले तो ये ऑर्डिनेंस से सेटअप हुआ 1975 में,
लेकिन इस ऑर्डिनेंस को बाद में एक्ट बना दिया गया 1976 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हो गया। फादर ऑफ आरआरबी एम स्वामीनाथन, फादर ऑफ आरआरबी जाने जाते हैं, यही पूरा इन्होंने खाका तैयार किया था आरआरबी बनाने का। और कमेटी कौन सी थी, सेटअप बाय मिस्टर एन नरसिम्हा कमेटी। तो ये दोनों नाम आपको आरआरबी के लिए याद रखने हैं, फादर ऑफ आरआरबी मिस्टर एम स्वामीनाथन एंड सेटअप बाय मिस्टर एम नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, पहला आरआरबी जो है आपका, पहला आरआरबी वो 2 अक्टूबर 1975 को बना था। पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को सेटअप हो गया था। तो ये चार पॉइंट्स हो गए, कब सेटअप हुआ, किस एक्ट के तहत, फादर कौन है, कौन सी कमेटी बनी, पहला कब बना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन। कोई भी आरआरबी सेटअप होती है कहीं पे भी किसी भी स्टेट में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें 50% पैसे लगाती है, और स्पॉन्सर बैंक लगाती है 35% और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है 15%। तो सपोज अगर यूपी में आपका कोई भी आरआरबी सेटअप हो रहा है, जैसे इलाहाबाद ने अपना ग्रामीण बैंक सेटअप किया यूपी में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% पैसे लगाएगी। इलाहाबाद बैंक जो कि स्पॉन्सर बैंक होगी इलाहाबाद ग्रामीण बैंक के लिए, वो 35% पैसा लगाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट हो गई 15% पैसा लगाएगी। तो ये है कंट्रीब्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, स्पॉन्सर बैंक 35%, और जहां भी सेटअप होगा वहां की स्टेट गवर्नमेंट 15% पैसा लगाएगी, तब जाके आरआरबी सेटअप होगा। तो आरआरबी का मेन फंक्शन क्या है, रूरल पीपल को फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो अब देखते हैं सिडबी और सेबी के बारे में, देखते हैं कि ये दोनों कहां कहां एस्टेब्लिश्ड है और कैसे वर्क करते हैं और किसके अंडर में ये आते हैं। तो सिडबी का फुल फॉर्म हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 2 अप्रैल 1990 को एस्टेब्लिश हुआ अंडर सिडबी एक्ट 1989। तो एस्टेब्लिश हुआ 1990 में, और जो एक्ट के तहत जो एस्टेब्लिश हुआ 1989 में, मतलब एक्ट बना 1989 में और बाद में 1990s में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज ए सब्सिडियरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके पहले 1990 के पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया काम करता था बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब सारे इंडस्ट्रीज के लिए। बाद में स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए अलग एक बना दिया गया ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसका सब्सिडियरी है, इसके अंडर ही काम करता है, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। 1990 में इसको बना दिया गया। क्यों बनाया गया, फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चेयरमैन इसके हैं डॉक्टर छत्रपति शिवाजी और हेडक्वार्टर है लखनऊ। तो सिडबी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी एक्ट था 1989 में और बाद में सिडबी बना दिया गया 1990 में। सब्सिडियरी किसका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा किसके अंडर ये आता है, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही आएगा, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, चेयरमैन एंड हेडक्वार्टर। फिर अब हम सेबी की बात करेंगे। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करता है, रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। जो भी सिक्योरिटी मार्केट है जहां पे लोग पैसा लगाते हैं, इंटरेस्ट मतलब वो पैसा जो लगाते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, उसको रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। सिक्योरिटी मार्केट में सेबी का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंटल रोल फॉर द सिक्योरिटी मार्केट। क्या क्या और चेंजेस हो सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, ये सारा सेबी के अंडर आता है। कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में और इसको पावर दे दिया गया 1992 में वाया सेबी एक्ट 1992। ये याद रखेंगे 1988 में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन पावर, सारी पावर्स इसको सेबी को दे दी गई ताकि ये रेगुलेट कर सके सिक्योरिटी मार्केट को, वो पावर इसको 1992 में दी गई वाया सेबी एक्ट 1992। ये एक्ट हमेशा याद रखेंगे किस एक्ट के तहत पावर दी गई, तो सेबी एक्ट 1992 ये आएगा, क्योंकि आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में दे दिया जाता है सेबी एक्ट 1988 तो बच्चे गलत टिक कर देते हैं। तो एक्ट का ईयर भी याद रखना है। चेयरमैन इसके प्रेजेंट चेयरमैन है यूके सिन्हा और हेडक्वार्टर है मुंबई। तो सिडबी और सेबी के बारे में हम जाना, सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चेयरमैन हेडक्वार्टर सिडबी की किसके अंडर आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और सेबी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये किसको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज मार्केट को, और सिडबी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। तो सिडबी और सेबी के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिया गया, क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स में से आता है। ईयर पूछ लेंगे कब सेटअप हुआ, किसके अंडर आता है ये पूछ लेंगे, चेयरमैन पूछ लेंगे या फिर हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, इससे ज्यादा
पेपर में, बैंकिंग के पेपर में नहीं पूछे जाते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और भी आगे की चीजें देखते हैं। अब फिफ्थ देखते हैं एक्सिम बैंक, और सिक्स्थ आपका हो गया ECGC। तो एक्सिम बैंक देखते हैं। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जो भी काम है वो करता है। ये होली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये एक्सिम बैंक। सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लगाती है। स्टेब्लिश कब हुआ? 1982 में। ईयर याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये, और स्टेब्लिश हुआ 1982 में। प्रेजेंट चेयरमैन इसके कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन है यदुवेंद्र माथुर, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन याद कर लेंगे और हेडक्वार्टर याद कर लेंगे। इसका पर्पस क्या है? पर्पस पे आते हैं। एक्सिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। पर्पस टू फाइनेंस, फैसिलिटेट एंड प्रमोट द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड जो भी है इंडिया में उसको ये फाइनेंस करेगा, फैसिलिटीज भी देगा, मतलब डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज देगा और प्रमोट भी करेगा। तो ये इसका पर्पस हो गया। और सेकंड पर्पस क्या है? ऑल्सो टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंगेज्ड इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड। जो सेवरल इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उनको कोऑर्डिनेट यही करेगा। मतलब अगर कोई भी गलती करेंगे या फिर कोई भी रेगुलेशन देना हो या कोई भी गाइडलाइंस देना होगा तो एक्सिम बैंक ही गाइडलाइन देगा इन इंस्टीट्यूशंस को। तो एक्सिम बैंक हमारा हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये, एस्टेब्लिश हुआ 1982 में, चेयरमैन हेडक्वार्टर याद करेंगे, पर्पस बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपका हो गया एक्सिम बैंक। अब आते हैं ECGC। ECGC का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म का कभी एक कोई वर्ड पूछ लेता है, जैसे जी का मतलब क्या है, जी स्टैंड्स फॉर, ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है। तो ECGC का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द रिस्क एज वेल एज इंश्योरेंस कवर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं अगर वो सामान अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में, तो उसको रिस्क एज वेल एज इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा। ये ECGC का काम ये है। चेयरमैन इसके कौन है? गीता मुरलीधर है, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ECGC में आपने देखा रिस्क और इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये, चेयरमैन और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो एक्सिम बैंक और ECGC के ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, कब बना, किसके अंडर आता है, चेयरमैन और हेडक्वार्टर, और पर्पस क्या है, ये बस पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्वेश्चन जरूर इन्हीं में से मिलेगा आपको पेपर में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अब लास्ट पॉइंट लेते हैं जो कि है नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक RBI के अंडर आता है, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ RBI। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल हाउसिंग बैंक पूछा जाता है किसके अंडर आता है, तो RBI के अंदर आता है। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1988 में। किस एक्ट के तहत स्टेब्लिश हुआ था? नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में एक्ट बना, और 1988 में इसको स्टेब्लिश कर दिया गया। इसके प्रेजेंट चेयरमैन है श्री राम कल्याण रमन। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है श्री राम कल्याण रमन। और NHB क्या करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंडिया। जो भी हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं वो NHB डिसाइड करता है, जैसे क्या रेट होगा लोन का और क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे हाउसिंग लोन के लिए, ये NHB डिसाइड करता है, जो कि RBI के अंडर आता है। एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, 1987 एक्ट के तहत हुआ। चेयरमैन और हेडक्वार्टर याद करेंगे, ये प्रेजेंट चेयरमैन है, हेडक्वार्टर ये है एपेक्स इंस्टीट्यूशन। तो ये हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमेशा 3-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे किसी भी बैंकिंग के पेपर में। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इन 7 इंस्टीट्यूशन से पक्का मिलेंगे आपको, या तो चेयरमैन पूछ लेंगे, कभी हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, या फिर किसके अंडर आता है ये पूछ लेंगे, या वर्किंग क्या है ये पूछ लेंगे। आपको क्वेश्चन इन 7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गारंटीड मिलने हैं, और जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इसी पॉइंट्स में से मिलेंगे, वो डिफरेंट चीजें पूछते हैं। तो आप मेक श्योर कि ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू गाइज।